रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से किया पुरस्कृत। उत्तराखंड में आंचल दूध के सैंपल फेल, मामले की जांच करेंगे डीएम। सचिव दुग्ध विकास ने एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। चंपावत में पूर्णगिरी मार्ग पर काल बनकर दौड़ते हैं वाहन। उत्तराखंड में 31 मार्च को आएंगे अमित शाह, सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 तक के देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कारों के साथ ही वर्ष 2021 और 2022 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेता खिलाड़ी और 42 प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 2.8 करोड़ की धनराशि वितरित की गई। हमारे राज्य में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं और हमारे खिलाड़ी आज देश में विदेश में जाकर प्रतियोगिताओं को विजय कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में विजेता हो रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं और हमने भी उसी सबको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति हम लेकर आए हैं और नया जो खेल कोटा है भर्तियों में भी फिर से शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की है अनेकों प्रकार से और आने वाले समय खेल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खिलाड़ियों के संवर्धन विकास के लिए हर संभव राज्य की सरकार काम करेगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया हो, उनके प्रोत्साहन की प्रक्रिया हो, उनके लिए नई योजनाएं लाने की बात हो या खेलो इंडिया के तहत उनको प्रोत्साहन करना हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। जहाँ केंद्र की सरकार काम कर रही है, राज्य की सरकार इन सब के लिए प्रतिबद्ध है कि खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाएं। हमारे चाहे वो खिलाड़ी हों अथवा उनके प्रशिक्षक हों, 2019 से लेकर 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के जो हमारे प्रशिक्षक रह गए थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार देना था अथवा जिनको खेल रत्न पुरस्कार देना था अथवा जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देना था, वह सब लंबित थे और कोरोना के कारण जो है उसमें बाधा पड़ी थी। आज वो शुभ दिन निकला और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन प्रशिक्षकों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ साथ में जो हमारे राष्ट्रीय फलक पर जिन खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है उनको भी आज जो है उनकी जो नकद प्रोत्साहन राशि है वह आज दी जा रही है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम से एक खेल का बेहतरीन वातावरण तैयार होता है, खिलाड़ियों का मनोबल बेहतरीन होता है और निश्चित रूप से सरकार का जो विजन है आगे चल के उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना अथवा उनको प्रोत्साहन देना वह भी संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जाता है। मेरी ओर से बेहद शुभकामनाएं हैं, उनको बेहद बधाई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस में एक दूसरे के दूर विरोधी रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का एक मंच पर आना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी होने लगी है कि राहुल गांधी के ऊपर हुई कार्रवाई के बाद ही सही कांग्रेस में अलग अलग विचार रखने वाले दोनों नेता एक मंच पर तो दिखाई दिए। हालांकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमला कांग्रेस के राष्ट्र नेताओं पर हो रहा है, लिहाजा राज्य के नेताओं को एकजुट होकर अपने राष्ट्र नेतृत्व के समर्थन में खड़ा होना ही होगा। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के नेतृत्व की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस उसकी निंदा करती है और हम उसके लिए पार्टी
एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है। उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं और हम उत्तराखंड में भी उस संघर्ष को पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, ये अकेले राहुल गांधी जी का सवाल है। और ये वो ताकतें हैं जिन ताकतों ने गांधी की हत्या की, आज वही ताकतें देश के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं की हत्या करके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सारे लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक व्यक्ति आगे आए। और ये पहला वाक्य नहीं है, और नेहरू पर, जवाहरलाल नेहरू पर, नेहरू परिवार पर, नेहरू एक क्लान भी है देश के अंदर, एक जाति भी है, उनके ऊपर प्रधानमंत्री हास्यास्पद टिप्पणियां करते हैं, गंभीर टिप्पणियां करते हैं। और यदि कोई दूसरे ख्यातिनाम व्यक्ति के उनकी जाति पर कोई बात कह दे, और एक सिलसिले में, और ये सवाल सबके मन में है कि मेहुल मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब क्या क्या प्रसंग है, सवाल उठेंगे कि राहुल गांधी जी के मामले में तो आप कोर्ट में जाएंगे, और जो मेहुल के मामले में इंटरपोल ने लुकआउट, जो रेड कॉर्नर रेड नोटिस है उसको वापस ले लिया है, जो लुकआउट नोटिस है उसको वापस ले लिया है। मतलब मेहुल, ये मेहुल कल्चर है, राहुल जी को इसलिए लक्ष्य बनाया जा रहा है क्योंकि अडानी को बचाना है, अडानी को बचाना है तो राहुल गांधी को फंसाना है। इसलिए राहुल गांधी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लोग जो है उस लोकतांत्रिक लड़ाई को अपने कंधों में लेकर के चलेंगे और आगे एक व्यापक संघर्ष की भूमिका बनाएंगे। उत्तराखंड के शक्ति फार्म के क्षेत्र में वर्ष में एक बार चैत के महीने में मनाने जाने वाला देल पूजा, जिसमें 16 लोगों की टीम रहती है, ये लोग घर घर जाकर पूजा पाठ करते हैं, पूरे महीने नंगे पांव चलते हैं और रात को एक टाइम भोजन करते हैं। ये एक बंगाली समुदाय के आस्था से जुड़ा हुआ देल पूजा की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें शंकर, पार्वती और अन्य देवों का रूप रखकर जब ये टीम घर घर जाती है तो वहां पर इनका देवों के रूप में स्वागत किया जाता है, और साथ ही ये लोग ढोलक, हारमोनियम बजाते हुए नाच गाना भी करते हैं। ये बंगाली समुदाय का है, बंगाली धर्म है, बंगाली प्रथा है, शिव जी का पूजा है। कितने लोग रहते टीम में? लगभग 16 आदमी रहता है। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोटाबाग स्थित विजयपुर धमोला में इर्क पर्णिका कुटिक में धनपुर बीचा बंगर विजयपुर धमोला और मदन बेल के निवासियों के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक और डॉक्टर पीयूष पंत ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया है। विजयपुर धमोला, चूना खान क्षेत्र, मदन बेल क्षेत्र, धनपुर क्षेत्र और हमारे बीचा बंगर की बहनों के लिए आज सिलाई का ये प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर पीयूष के द्वारा यहाँ पर ये मशीनें उपलब्ध कराई गई, मैं सबका आभार व्यक्त करूँगा, क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दूंगा, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करूँगा हमारे श्रीमान सती जी का, जिन्होंने यहाँ के गुणवत्ता युक्त उत्पाद को पूरे देश और विदेश में पहुंचाने का संकल्प लेकर आश्वासन दिया है कि उनकी आजीविका को हम और आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए लगातार मिलकर काम करेंगे, इसके लिए सबका बहुत आभार और बधाई। देश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी में एक निजी होटल में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित मध्य क्षेत्र के राज्यों के लिए सहकारी विकास पर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सम्मेलन में उत्तराखंड सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, मणिपुर सहित विभिन्न राज्य के अधिकारी और प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। और मुझे भरोसा है माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में एक आंदोलन के रूप में इसको लिया है। आने वाले समय में देश की आर्थिकी को मजबूत करने में
ये संहिता का क्षेत्र एक अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चुनाव संहिता के क्षेत्र में काम हो रहा है, आने वाले समय में हम पहले भी दूसरे स्थान पर पहुँचेंगे। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ जिन्होंने मुझे अपने बीच में, मानी सिंघानी जी ने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया कि आप उसके अध्यक्ष हैं, आप पूर्व सांसद हैं, पूर्व गुजरात के मंत्री हैं और जब से आपने इसकी अध्यक्षता संभाली है एक आंदोलन के रूप में इसको ले रहे हैं। और देखिए कृषि में हम उत्पाद तो कर सकते हैं, उसके विपणन के लिए सक्रियता से बढ़िया कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से हम इस काम को करेंगे, विपणन का काम करेंगे तो अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा लेगी और सहकारिता समितियां जो हैं बहुत मिनिमम मार्जिन पर काम करती हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान। देखिए आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूँ कि आज इंटरनेशनल मिलेट सीजन अगर घोषित हुआ है तो मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। यूएनओ के अंदर जब प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया, हमारे प्रदेश ने भी अपनी मिलेट्स की पॉलिसी बनाई है, बजट के अंदर 73 करोड़ का प्रावधान हमने इसके लिए किया है, क्योंकि मिलेट्स हमारी परंपरागत खेती है और हमारी सरकार का संकल्प है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। नेशनल कॉपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया भारत में 5 अलग अलग क्षेत्रों में कॉपरेटिव सम्मेलन कर रहा है, इसी क्षेत्र में कॉपरेटिव की समस्या उनका समाधान कैसे कर पाए उनका नेतृत्व इंस्पायर कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम सबकी क्षेत्रवार समस्या का समाधान के लिए सुनते हैं और कार्य करते हैं। तो आज के इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज रिपोर्ट लाइव, धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी।